आप देख रहे हैं पुलिस वाला बाब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह अंजयगढ़ पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत बहादुरगंज में कार्यक्रम के दौरान खनिज मंत्री ने कमलनाथ के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि इनके 15 महीने में एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिनका ये प्रमाण दे सके और अवैध रेत खनन कर दिया। जवाब में कहा कि इनके लोग अवैध खनन में लिप्त रहे हैं, हमारे किसी कार्यकर्ता पर अवैध खनन का कोई मामला नहीं है। कमलनाथ के बागेश्वर धाम पर हनुमान भक्त होने पर तंज कसा, इसके राष्ट्रीय नेता ऐसे हैं जो कभी धार्मिक स्थल जाते ही नहीं। इनके नेताओं ने राम मंदिर का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के नेताओं के द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने सनातन धर्म का कभी सम्मान नहीं किया, यदि आप कमलनाथ बागेश्वर धाम गए कम से कम देर से आए दुरुस्त आए। बागेश्वर धाम गए थे कमलनाथ, अपने आप को हनुमान भक्त बताया है। अभी तो आप देख रहे होंगे कि एक उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, पहले तो कभी किसी मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी नेता इनके नहीं जाते थे। इनके वो नेता हैं जिनने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया है, इनने शपथ पत्र दिए हैं, राम मंदिर के बारे में इन लोगों ने बातें कही हैं और आज उन्हीं की महिमा मंडित कर रहे हैं उन्हीं धार्मिक स्थलों में जिनमें कभी उनने मान्यताएं या सनातन धर्म को माना नहीं। आज ऐसी सब चीज़ों को लेके यदि आज वो धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, संत महात्माओं के पास जा रहे हैं, कम से कम अच्छी बात ये है कि उनकी बुद्धि आई, देर आई, दुरुस्त आई, कम से कम उनको ये मन में ये चीज़ें जाग रही हैं कि धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे भारत देश मानता है और आज उन धर्म के स्थानों में जा रहे हैं। तो मैं तो उनको अच्छा मानता हूँ कि कम से कम देर से लौटे, ठीक लौटे।